हमारे वैष्णव परंपरा में प्रमुख आचार्य हैं जो कोलाविचा श्रीधर, जिनका नाम श्रीधर पंडित भी है, तो आज उनका भी तिरुभाव दिवस है। आज ही के दिन वो इस धराधाम से अप्रकट हुए थे। तो हम सब लोग जानते हैं जो श्रीधर पंडित हैं कि बहुत ही गरीब थे और ऐसी हालत में रहते थे कि उनकी छत में क्या है, बहुत छेद थे, पानी टपकता था ऊपर से, और जिन बर्तनों का वो यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, पानी पीने के लिए इत्यादि, उसमें भी छेद थे एक्चुअली, और जो वो कपड़े पहनते थे वो भी ऐसी अवस्था में थे बहुत। और इस अवस्था में भी वो क्या रात भर क्या हरे कृष्ण का जप करते थे बहुत तेज तेज आवाज में। और जो उनके पड़ोसी हैं वो सोचते थे कि क्या है कि ये गरीबी है, इसके अंदर खाने के लिए नहीं है, इसी वजह से भूख लग रही है, और भूख के कारण क्या है तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा है, इसको दर्द हो रहा है भूख के मारे, और इसी दर्द में क्या है ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है। और प्रतिदिन क्या है निमाई पंडित आते थे, उनसे क्या है जो बनाना फ्रूट्स हैं, जो उसका रूट्स है, छाल है, उसको परचेज करते थे, और उनके साथ कुछ अच्छी अच्छी डीलिंग्स होती थी। तो ये कुछ संक्षेप में कुलवर श्रीधर के बारे में था। तो गौर ग्रंथेश दीपिका में कवि कर्णपुर बताते हैं कि कौन है ये एक्चुअली कृष्ण लीला में, तो बताते हैं कोला बेचत या ख्यात पंडिता श्रीधरो द्विज अशित ब्रजे हस्य करो यो नामना कुछ मासव, कि जो 12 गोपाल हैं कृष्ण लीला में उनमें से एक हैं कुसुमासव। जो कुसुमासव हैं ये गौर लीला प्रकट होते हैं श्रीधर पंडित के रूप में, जिनको एक निक नेम दिया जाता है क्या है खोला वेचा श्रीधर। खोला मतलब, खोला का मतलब होता है छाल, जो बनाना मतलब केले के पेड़ के ऊपर जो छाल लगे होते हैं उसको वो बेचते थे, इसी वजह से उसका नाम बच गया खोला वेचा श्रीधर। और जो श्रीधर पंडित थे ये नवद्वीप में रहते थे, मायापुर के नजदीक में ही, मायापुर के उत्तरी साइड में। अभी भी हम देखते हैं, हम जाते हैं जब परिक्रमा तो श्रीधर आंगन एक जगह पड़ती है, तो वहाँ उनका घर था। और ये जो श्रीधर आंगन है इसको श्री भक्तिदास सरस्वती महाराज ने एस्टेब्लिश किया था, उस स्थली को प्रकट कराया था, और वहाँ पे एक छोटे से मंदिर की स्थापना की थी। पहले वहाँ पे वर्शिप होती थी, लेकिन अभी कुछ वहाँ पे कुछ इश्यूज के कारण वर्शिप नहीं हो पा रही है। तो ये श्रीधर जो पंडित हैं उनका निवास स्थान था, जहाँ पे सारी लीलाएं करते चतुर महाभु वहाँ पे आके। और श्रीधर पंडित क्या है बहुत ही गरीब थे, तो जो भौतिक वेल्थ है, जो भौतिक धन है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास भौतिक धन है उसी को भगवान की कृपा मिली है, ऐसा नहीं है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं साधारणतः देखा जाता है वो क्या है बहुत अमीर होते हैं, भौतिक रूप से धनी होते हैं। लेकिन जो रिच पर्सन मतलब क्या है, जो धनी व्यक्ति मतलब क्या है, जिसका भगवान के प्रति जितना प्रेम है वो क्या है उतना ही धनी व्यक्ति है। और महाप्रभु इस सिद्धांत को, इस टीचिंग्स को क्या है श्रीधर पंडित के माध्यम से बता रहे हैं कि धनी व्यक्ति कौन है, जिसका भगवान से जितना प्रेम है वही व्यक्ति धनी है। भले ही क्या है जो श्रीधर पंडित हैं वो भौतिक रूप से क्या है निर्धन है, लेकिन भगवान चेतन महाप्रभु उनके माध्यम से दुनिया को बता रहे हैं क्या है कि धनी व्यक्ति मतलब जिसका भगवान से इतना प्रेम अटैचमेंट है वही धनी व्यक्ति है। एक बार चेतन महाप्रभु से पंडित से मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप तो क्या है, आप तो विष्णु की पूजा करते हो, आप तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, और लेकिन फिर भी क्या है आप इतने गरीब हो, आपके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं है, है? आपके पास ढंग का घर नहीं है, ऊपर इतने छेद हो रखे हैं, और आपके पास वर्शिप करने के लिए कुछ नहीं है, आपके अंदर खाने पीने के बर्तन भी छेद हो रखा है, और आपकी हालत ऐसी हो रखी है पता नहीं बहुत गरीब है कि इतना बीमार लगता है इंसानों को, तो ऐसी हालत है आपकी, और आप तो क्या है लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो श्रीधर पंडित जो है वो चेतन महाप्रभु को आंसर करते हैं कि जो चिड़िया है जो अपने घोंसले में रहती है और बाहर जाके क्या है पूरा दिन भर अपने जो भोजन का भोजन के लिए कार्य करती है, और दूसरे वो उसी की तरह है जैसे कि एक राजा है जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य है, और वो समय कैसे व्यतीत करता है, वो समय अपने राजमहल में रह के जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में वो उस समय को लगाता है, और उस समय वो क्या चिड़िया भी लगा रही है। तो दोनों का जो आनंद है वो क्या है बराबर है, दोनों को बराबर आनंद मिल रहा है। तो चेतन बापू समझ गए एक्चुअली, तो चेतन बापू सीधे पंडित तो कहते हैं कि हाँ बाहरी रूप से क्या है लग सकता है कोई इंसान गरीब है, लेकिन सच में वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में आप ही क्या है अमीर पर्सन हो, आप ही वेल्दी पर्सन हो एक्चुअली। और
ये जो वास्तविकता है आपकी, मैं जल्दी ही क्या है, मैं सबके सामने इसको दर्शाऊंगा। और जनरली हम देखते हैं बहुत जगत में जो ऐसा गरीब व्यक्ति होता है उसको बहुत ही दुर्भाग्यशाली माना जाता है, और जिसके पास कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो उसको ऐसे इस दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरी तरफ जिसके पास बहुत अच्छा धन है और वो उससे क्या है खुशी को प्राप्त कर सकता है, तो इससे हम देखते हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है वही क्या है हमारा सच्चा धन है। जितना हम खुश हैं वही हमारा धन है। और खुश व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, ही इज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो श्री कृष्ण भगवान से अगर हम अटैचमेंट है हमारा, चैतन्य महाप्रभु से अटैचमेंट है, तो वही व्यक्ति क्या है एक्चुअल में क्या है खुश हो सकता है। और हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जो विदुर थे, विदुर क्या थे, वो गरीब थे लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तो दुर्योधन था, भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्य था, भौतिक धन था उसके पास, लेकिन दूसरी तरफ उसका क्या है, भगवान से कोई आसक्ति नहीं थी। तो इसी तरह भगवान भी यहाँ पे कोलावज श्रीधर के माध्यम से समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं दूसरे लोगों के कि जो कोलावज श्रीधर ही क्या है वास्तविकता में क्या है अमीर है, क्योंकि वो भगवान से आसक्त है। वो जो रियल हैप्पीनेस है, जो वास्तविक खुशी है, वो उन्हीं के पास है। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, 21 घंटों तक लगातार महाप्रकाश लीला करते हैं, सभी भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी भक्तों को बोलते हैं श्रीधर कहाँ है, उसको बुला के लाओ। एक्चुअली तो भक्त लोग जाते हैं श्रीधर आंगन में बुलाने, तो देखते हैं कि बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है हरे कृष्ण मंत्र की है, तो बोलते हैं यही है हरे कृष्ण चिल्ला रहा हुआ, इसको ले चलते हैं। तो श्रीधर को बुलाते हैं और जो तो श्रीधर को बुलाते हैं और महाप्रभु कहते हैं कि आप क्या बहुत गरीब हो, आप जो आज मांगोगे मैं वो आपको दूंगा, मांगो जो मांगना है। लेकिन वो बोलते हैं एक्चुअली कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ एक्चुअली, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, आप जो 8 जो मिस्टिक योगा है एक्चुअली, जो अष्ट सिद्धि है वो आपको दिया मैंने, तो वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली, मैं तो खाली क्या है आपके चरण कमलों में क्या सेवा चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपका। तो फिर भी प्रभु जो महाप्रभु बाबा कहते हैं प्रभु बले दर्शन मोर व्यर्थ न नाया अवश्य पाइबा बार यही चित्ते लाया, कि जो मेरा दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ क्या है मांगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो रिफ्यूज करते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु महाप्रभु कहते हैं मांगा मांगा पुनः पुनः बले विश्वम्बर श्रीधर बले प्रभु देहा एई वर। तो फिर भी महाप्रभु जब बार बार बोलते हैं कि ठीक है आप कुछ मांगो, तो श्रीधर कहते हैं ठीक है अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो क्या है मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, क्या चीज, ये ब्राह्मण कदि नीला मोर खोला पाता शे ब्राह्मण हो का मोरा जन्म जन्म नाथ, कि हे महाप्रभु अगर आपको कुछ देना ही है तो क्या दो, कि मुझे वो जो लीला आप करते हो एक ब्राह्मण जो रोज मेरे पास आता है और जो बनाना जो केले के लिए क्या रोज चोरी करता है एक्चुअली, वो क्या है वो पास टाइम क्या है मेरे साथ रोज हुआ एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जाते थे बार बार डेली उनके घर पर जाते थे और उनसे क्या है पूछते थे ये कैसे दिया एक्चुअली, तो बोलते कि इतने पैसे का है, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे क्या मजाक करते कि इतना थोड़ी आप क्या ठग रहे हो, तो मैं क्या इसके 50% दाम दूंगा खाली, और चैतन्य महाप्रभु क्या उसको जबरदस्ती छीन ले लेते थे और उसको खा लेते थे। तो इस तरह क्या उनके बीच में क्या मधुर जो पास टाइम लीलाएं को उनका आदर प्रदान होता था। तो इससे जो श्रीधर पंडित है उनको भी क्या बहुत खुशी होती थी कि महाप्रभु मेरे साथ ऐसा लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आज चैतन्य महाप्रभु बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ मांगो, तो वो क्या यही चीज मांग रहे हैं कि आप क्या एक ब्राह्मण के रूप में जो निमाया पंडित के रूप में जो मेरे पास आते हो और जो बनाना के रूप में अकेले परचेज करने के रूप में जो मेरे साथ डीलिंग करते हो जो व्यवहार करते हो वो पास टाइम लीला क्या आप करते रहो, आप आगे भी आते रहो एक्चुअली, और इस तरह मैं आपको क्या है सर्व कर सकूँ, मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो इस तरह जो श्रीधर पंडित हैं एक्चुअली वो क्या है इसके बावजूद भी खाली यही मांग रहे हैं क्या है कि मैं खाली आपकी यहाँ पे क्या है सेवा कर पाऊँ एक्चुअली। और एक बार जब महाप्रभु जब संकीर्तन करके आ रहे थे और जो श्रीधर आंगन के पास आगे क्या रुक गए और सबको प्यास लग रही थी, चैतन्य महाप्रभु को प्यास लग रही थी, चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्रीधर पंडित के घर में घुसे और इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में आता है श्रीधरेर लोहा पात्रे कैला जल पान समस्त भक्तेर दिला इष्ट वर दानम, कि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर पंडित के घर में पहुंचे और उनका जो
खराब बर्तन था, जो डैमेज था, टूटा हुआ बर्तन था, उससे क्या तुरंत पानी पीने लगे। और ये दृश्य देख के क्या है, उन्होंने सीधा पंडित उनको रोकना चाहा कि वो रोक रहेगा, आप मत पियो, ये मेरा दूषित है, तो वो नहीं पीऊंगा इसको मैं। तो ऐसा कर करके छत्र महापुर ने उनके जो टूटा हुआ बर्तन था उससे क्या पानी पिया। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाप्रभु ने उस बर्तन से पानी क्यों पिया, क्योंकि वो जो बर्तन एक भक्त को बिलोंग करता था, वो एक भक्त का बर्तन था, इसी वजह से छत्र महापुर ने उस बर्तन से पानी पिया। और ये जो दृश्य देख के क्या है, बहुत उनको पीड़ा हुई श्रीधर पंडित को, बिल्कुल वो अचेत हो गए, वो बेहोश हो गए, फिर वापस चेतना में आए। फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया आपने एक्चुअली, तो महापुर ने बोला कि आप क्या है, आप बहुत बड़े भक्त हो और इसी वजह से क्या है भक्तों का तो क्या है पानी पी सकते हैं। तो जो महाप्रभु ने ये जो लीला की है एक्चुअली, वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों का क्या है, हमें पानी पीने से क्या है हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भक्तों का जो झूठा खाने से क्या हमें पानी, हमें भक्ति में एडवांसमेंट मिलती है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी क्या है उस समय दिखा रहे हैं अपनी लीला से कि हमें भी भक्तों का झूठा खाने से, पानी पीने से क्या है हम भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे एक्चुअली, तो महाप्रभु जो श्रीधर पंडित पहुँचे थे एक गिफ्ट लेके, गॉड गिफ्ट लेके, उसको क्या है महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया था। और जब बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जब शांतिपुर में धोखे से नित्यानपुर, उनको शांतिपुर ले गए थे दचार के घर में, तो सची माता का दर्शन कराया था उन्होंने, उस बीच श्रीधर पंडित भी क्या है वहाँ पे मौजूद थे, और श्रीधर पंडित ने भी क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे। और उसके बावजूद भी क्या है श्रीधर पंडित जो है हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे, हर साल चतुर्मास में भक्तों के साथ, और चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे दर्शन करते थे। तो ये कुछ श्रीधर पंडित जो महाप्रभु के प्रमुख मतलब बहुत अंतरंग पार्षद थे उनके बारे में कुछ था। और आज श्री मुकुंद दत्त जी का भी आज तिरुवावती थी है, तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दो भाई थे एक्चुअली, और जो पिछले कृष्ण लीला में ये दोनों भाई थे मधुकंठ एंड मधुव्रत, और ये चैतन्य लीला में मुकुंद और वासुदेव के रूप प्रकट हुए, जो बहुत ही फेमस थे, बहुत अच्छा गाते थे भगवान की पसंदा के लिए, भगवान के कीर्तन बहुत अच्छा गाते थे। और मुकुंद का एक और लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई थी, बस दो मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे एक्चुअली, तो मुकुंद को उन्होंने जो कीर्तन था उससे क्या निष्कासित कर दिया था, क्योंकि जो मुकुंद है वो क्या है कृष्ण भक्ति भी करते थे, और बाकी जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, मायावादी, उनकी फिलोसफी का भी ज्ञान दूसरों को देते, आपस में तर्क भी करते थे एक्चुअली, तो जो उनकी जो भक्ति थी क्या मिश्रित थी, कभी इधर कभी उधर एक्चुअली, इसी वजह से महाप्रभु ने क्या उनका निष्कासन कर दिया था। तो उनको क्या है जो अपने चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन लीला कर रहे थे उससे क्या उन्होंने बाहर कर दिया शिवासांगन से। तो मुकुंद दत्त क्या है बहुत ही उनको निराशा हुई कि मुझे ऐसे बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने किसी दूसरे के थ्रू अपनी अर्जी लगवाई कि क्या कभी भगवान की कृपा होगी मेरे ऊपर है। तो भक्त ने महापुरुष को कहा क्या मुकुंद पर कभी कृपा होगी है कि हाँ मुकुंद कृपा अभी कृपा नहीं हो सकती, अभी करोड़ों अरबों जन्म लग जाएंगे तब जाके कृपा होगी है। तो ये जब संदेश मुकुंद दत्त को मिला तो बहुत खुश हुए, खुशी हमारे उछलने लगे कि भगवान कम से कम मुझे इतने सालों बाद क्या है कम से कम मुझे तारेंगे, मेरे पर कृपा करेंगे। तो इतना भक्ति दृढ़ निश्चय देख के महापुरुष बहुत प्रसन्न हुए, और तुरंत ही भगवान ने मुकुंद पर क्या है कृपा की थी। तो मुकुंद भी क्या है भगवान की कृपा पाते थे। तो आज मुकुंद जो दत्त हैं उनका भी आज तिरुवावती थी है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है, जैसे आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, तो हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी जो जगन्नाथ जी हैं उनके प्रति कुछ सेवा कर पाएँ, और उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है जो दिन प्रतिदिन छूटती चली जाती है एक्चुअली, तो उस आसक्ति को बढ़ा पाएँ एक्चुअली। और जो मुकुंद दत्त हैं, जो श्रीधर पंडित हैं एक्चुअली, जो श्रीधर पंडित हैं कितना उनका सेवा का भाव था एक्चुअली, इतनी गरीबी के अंदर भी क्या है वो भगवान की सेवा कर पा रहे थे। अगर हमें अगर एक टाइम प्रसाद ना मिले तो पता नहीं क्या हाहाकार मच जाता है। तो उनकी जो सिचुएशन थी वो क्या कंटिन्यूस पूरी लाइफ थी एक्चुअली, भगवान उनको देना भी चाह रहे थे वो तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस पर। तो उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति इस परिस्थिति में की जा सकती है। तो उस उनके उदाहरण को लेकर क्या हम अपने जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं तो हम भी इस परिस्थिति में कैसे भगवान की भक्ति की जाए, उनसे हम आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ऐसी परिस्थिति में क्या निरंतर भगवान की भक्ति कर पाएं। तो ये आज का दिन था, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्य